पैनल मरमेड स्कर्ट की ड्राफ्टिंग करना सीखेंगे। मेजरमेंट इस प्रकार है, फुल लेंथ 40 इंच, वेस्ट 28 इंच, वेस्ट बिलो हिप 8 इंच, हिप 36 इंच। सबसे पहले हम लेंथ लेंगे, लेंथ लेने का जो हमारा फॉर्मेट है, फुल लेंथ प्लस नेफा टर्निंग प्लस बॉटम टर्निंग। नेफा टर्निंग जो हम लास्टिक डाल के या पेस्टिंग के साथ बैंड बनाते हैं उसके लिए हम यहां पर नेफा टर्निंग यूज कर रहे हैं। 40 इंच हमारी फुल लेंथ है प्लस 1.5 इंच नेफा टर्निंग, 1.5 इंच बॉटम टर्निंग, टोटल है हमारा 43 इंच। सबसे पहले लेंथ निकालेंगे, लेंथ हमारी 43 इंच आई। ये सब हमें जब कपड़े पर कटिंग करेंगे तो इसी फॉर्मेट के अनुसार ही करना होता है। टर्निंग या आप नेफा टर्निंग में पेस्टिंग लगाना चाहते हैं या राउंड में पूरे में लास्टिक लगाना चाहते हैं उसी हिसाब से हम यहाँ पर लेंथ लेते हैं। यहाँ पर ये हम लास्टिक वाली बना रहे हैं। पेस्टिंग के लिए हम जब बेल्ट लगाते तो हमें माइनस करना होता, अब हम इसी में ऐड करके चल रहे हैं प्लास्टिक के लिए, इसलिए हम अलग से नहीं ले रहे हैं। आप वो नीचे बॉटम में 1 इंच भी ऐड कर सकते हैं, टर्निंग कम करनी है तो 2 इंच भी कर सकते हैं, ज्यादा करनी है तो अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं। ये हमारी यहां से यहां तक फुल लेंथ है। उसके बाद यहां पर है वेस्ट बिलो हिप 8 इंच। ये जो हमारी लेंथ है यहां से टॉप लेंथ से डाउन आना है हमें 8 इंच। 8 इंच आपका निशान लगा लेना है। ये वेस्ट है हमारी 28 इंच, यहां पर हम आएंगे वेस्ट बिलो हिप 8 इंच, टॉप लेंथ से डाउन आना है हमें 8 इंच, ऊपर से नीचे 8 इंच आना है। उसके बाद हम यहां पर वेस्ट हमारी 28 इंच है, वेस्ट डिवाइड बाय 4 प्लस 2 इंच, 28 को 4 से डिवाइड किया 7 इंच प्लस 2 इंच इज इक्वल टू 9 इंच। हिप हमारे 36 इंच है, हिप डिवाइड बाय 4 प्लस 1 इंच, 36 को 4 से डिवाइड किया 9 इंच प्लस 1 इंच इज इक्वल टू 10 इंच। हिप लाइन जो है हमारी निकल कर के आई 10 इंच। जो हम डाउन आए हैं 8 इंच पर, यहां से हम हिप लाइन लेंगे, हिप लाइन हमारी 10 इंच है, ये हमने यहां पर दस इंच पर निशान लगाया, ये यहां से यहां तक वेस्ट लाइन हमारी 9 इंच है। जितनी हमारी हिप है ये रेखा खींच करके हम वेस्ट लाइन को हिप लाइन से मिलाएंगे। वेस्ट हमारी 9 इंच थी, ये हमने 9 इंच पर लेंथ लाइन से अंदर की तरफ 9 इंच पर निशान लगाया और यहां पर
वेस्ट डिवाइड बाय 4 प्लस 2 इंच इज इक्वल टू 9 इंच, ये हमारी वेस्ट लाइन है यहां से यहां तक। इसके बाद हम नी लाइन निकालेंगे। नी लाइन हमारे पास यहां पर है नहीं, नी को निकालने का जो फॉर्मेट है, नी हम कहां पर लेंगे, उसका फॉर्मेट है हमारी फुल लेंथ। जितनी भी हमारी फुल लेंथ होती है उसका हाफ कर लेते हैं, 43 का हाफ करेंगे माइनस 3 इंच। 43 का हाफ किया तो ये हमारा आया 21.5, 21 इंच माइनस 3 इंच, 21.5 में से 3 माइनस किया तो 18.5, 18.5। वेस्ट लाइन से डाउन आएंगे 18.5 पे, या जितनी भी हमारी ये लेंथ है टॉप टू फ्लोर लेंथ बॉटम लेंथ, इस लेंथ का हाफ करेंगे 3 इंच माइनस नीचे से करेंगे, 3 इंच माइनस नीचे से करेंगे, नी का निशान लगाएंगे। ये हमारी नी का निशान हमने लगाया, ये याद रखना है। ये जो 18.5 18.5 निकल करके आया है, ये हमारा वेस्ट लाइन से डाउन आना है 18.5 नी लाइन के लिए। ये हमने नी लाइन का निशान लगाया। नी लाइन के लिए या तो हम जितना हमारा हिप निकल करके आया था, हिप निकल करके आया हमारा 10 इंच, 10 में से 1.5 माइनस करेंगे जितना आएगा निशान लगा लेंगे। एक फॉर्मेट तो ये है, दूसरा है नी विड्थ के लिए, दोनों ही ठीक है, कम ज्यादा आप अपनी इच्छा अनुसार भी कर सकते हैं। हिप डिवाइड बाय 4 माइनस 1/2 इंच, 1 इंच भी कर सकते हैं। 36 को 4 से डिवाइड किया 9 इंच, माइनस किया 1/2 इंच तो 8.5 इंच। ये जो हमारी हिप लाइन है, हिप डिवाइड बाय 4 प्लस 1 10 इंच, या तो हम 10 इंच में से ये हम सीधी रेखा खींचते हैं, यहां पर हिप लाइन से मिला देते हैं इस प्रकार, या तो ये जो हमारी रेखा है इसकी हम 1.5 इंच अंदर की तरफ आते हैं, या फिर फॉर्मेट है हिप डिवाइड बाय 4 माइनस 1/2 इंच, 36 को 4 से डिवाइड किया 9 इंच, माइनस किया 1/2 8.5 इंच, या फिर कम ज्यादा जितना भी नी पर टाइटनेस देना चाहते हैं, लूजिंग देना चाहते हैं, उतना अपने हिसाब से हम कर सकते हैं। ये हमने नी के लिए निशान लगाया। फॉर्मेट हम दोनों ही यूज कर सकते हैं, हिप माइनस 1.5 इंच, या फिर हिप डिवाइड बाय 4 माइनस 1/2 इंच। ये हमारी नी लाइन निकल करके आई। विड्थ के लिए जो नीचे हम बॉटम पर विड्थ रखेंगे, वो हम या तो हम विड्थ ऑफ क्लोथ ले लेते हैं, जितना भी हमारे पास कपड़ा होता है उसका अर्ज उसका हाफ कर लेते हैं, या फिर जितना भी हम यहां पर रखना चाहते हैं कम ज्यादा बॉटम को, उतना ही हम यहां पर 16 इंच रख रहे हैं। जो हमारी ये लेंथ लाइन है इससे हम अंदर की तरफ 16 इंच पर आएंगे। डिपेंड करता है घेर हम कितना लेना चाहते हैं, जितना भी आप खुला बनाना चाहते हैं उतना ही हम यहां पर विड्थ में बॉटम के लिए ले सकते हैं। ये जो हमारी नी लाइन है इसको विड्थ लाइन से हम मिला देंगे। ये मिलाने के बाद जो हमारी वेस्ट लाइन है
उसका और हिप लाइन का दोनों का मिलान करेंगे। ये वेस्ट लाइन है, ये हिप लाइन है, इसको हल्की हल्की शेप देंगे। शेप देते हुए हिप लाइन से मिला देंगे। हिप लाइन को इसी प्रकार हल्की हल्की शेप देते हुए यहां नी पे लाके मिला देंगे। ये मिलाने के बाद ये जो हमारी वेस्ट लाइन है इसका हम हाफ करेंगे। डॉट लेंथ निकालने के लिए डॉट लेंथ हमारी हिप डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू 4.5 साढ़े 4 इंच। 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो साढ़े 4 इंच। वेस्ट लाइन यहां से यहां तक है हमारी, इसका हम हाफ करेंगे 9 इंच का हाफ किया। ये हमने हाफ कर लिया यहां से यहां तक का। लेंथ हमारी निकल कर के आई 4.5 इंच। आधा आधा इंच की हम यहां पर विड्थ लेंगे। क्यों? क्योंकि हमने यहां पर 1 इंच ही ऐड किया था। आधा इंच हिप डिवाइड बाय 8 साढ़े 4 इंच। ये हमारी यहां पर नी है। यहां पर हम 1.5 इंच भी कर सकते हैं और फॉर्मेट के हिसाब से भी कर सकते हैं। इसके बाद ये जो हमने डॉट डाली है, ये 6 पैनल बनाना है हमने, तो डॉट जो डाली है इसी को हम नीचे अपनी बॉटम तक लाके मिला देते हैं। ये यहां से जो हमारी लेंथ लाइन है इससे ये हमने ये सेंटर किया, सेंटर से हम यहाँ सेंटर लाके नीचे तक मिला देते हैं। इस प्रकार ये जो डॉट लाइन हमने ली थी इसी को नीचे तक ला करके मिलाना है। ये मिलाने के बाद ये हमारे 4 पीस हमारा ये हो गया और 2 पीस हमारा ये हो गया। ये 4 साइड है, 2 पीस ये, 4 पीस ये। ये हमारी फ्रंट बैक दोनों की ही ड्राफ्टिंग है। इसमें अगर हम ज्यादा अर्ज डालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, और ज्यादा कली लगानी पड़ती है। वो कैसे लगाएंगे, जितना भी हमें विड्थ बढ़ानी है, मान लो कि हमें ये नहीं चाहिए और ज्यादा चाहिए, तो उसके लिए जो हम लेंगे यहां पर ये जितना भी हमारा फ्लेयर लेना है यहां पर बढ़ाने के लिए वो लेंगे। वो लेने के लिए हमें करना क्या है, यहां पर हम 6 इंच ले लेते हैं। हम जितना भी ज्यादा लेना चाहते हैं ले सकते हैं। लेंथ के लिए ये जो हमारी नी लेंथ है, नी लेंथ से बॉटम लेंथ तक ही हम लेंथ लेते हैं, ऊपर तक नहीं लेते हैं। तो ये जितनी भी लेंथ हमारी होगी नी से बॉटम लेंथ होगी उतना ही हम यहां पर लेंथ लेंगे। ये ध्यान रखना है, नी से ऊपर हमें घेर नहीं देना है, हमें नी से नीचे ही देना होता है। इसलिए जो हम लेंथ ले रहे हैं ये जो हमारी लेंथ है ये हमारी नी टू फ्लोर या बॉटम भी हम इसको बोल सकते हैं। नी लाइन से बॉटम लाइन तक की ही लेंथ लेनी है, यहां तक हमें घेर देना है, ऊपर हमें नहीं देना है। विड्थ
जितनी देना चाहते हैं, हम यहां पर 6 दे रहे हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। ये 6 इंच हमने इसकी विड्थ रखी है। सिर्फ हमें लेंथ का ही ध्यान देना होता है, लेंथ हमारी उतनी ही होनी चाहिए जितनी हमारी नी टू बॉटम है, उससे ज्यादा नहीं। ये हमारा जो बॉक्स बना, नी टू बॉटम हमने लेंथ ली है और 6 इंच हमने इसकी विड्थ ली है ढेर को बढ़ाने के लिए। इस कॉर्नर से हम इस प्रकार से मिला देंगे, चाहे इसको मिलाओ चाहे इसको मिलाओ, ये यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक 6 इंच। जितना भी ऐड हम करना चाहते हैं घेर, उतना ही हम यहां पर ले सकते हैं। ऐड मोर फ्लेयर। यहां पर हमने 6 इंच लिया है, कम ज्यादा हम कर सकते हैं, ज्यादा और ज्यादा घेर बढ़ाना है 8 इंच 10 इंच जितना भी ले सकते हैं। ये लेने के बाद ये जो हमारी स्कर्ट है, इसमें ये हमारा जो बना हुआ है, इसमें हमें सर्कल देना है, हर किसी गोलाई देनी है। उसके लिए जो फॉर्मेट है, यहां पर हिप डिवाइड बाय 24 डेढ़ इंच, फिर हमने लिए 16 इंच, और ये जो हम गोलाई करेंगे यहां पर आएंगे डेढ़ इंच ऊपर और इसकी गोलाई कर देंगे। यहां हमने 16 इंच लिया है इसलिए हमने 16 इंच लिखा है। अगर हम यहां पर विड्थ ऑफ क्लॉथ का हाफ करते तो वो भी हम लिख सकते थे। मैंने दोनों ही फॉर्मेट आपको बताए हैं, विड्थ ऑफ क्लॉथ का हाफ भी कर सकते हैं। यहां हमने यहां पर जो घेर लिया है वो 16 इंच लिया है। इसके बाद जो हमने यहां पर लेंथ ली थी वो यहां पर हम मेंशन कर देते हैं, नी टू बॉटम या फ्लोर, नी टू बॉटम, ये अर्थ बनाने के लिए जो लुक आएगी वो इस प्रकार से आएगी। ये हमारी वेस्ट टू नी फिटिंग रहेगी, घेर यहां से स्टार्ट होगा। ये हमारी जो ये चीज कट जाएगी, ये वाली लाइन, ये कटने के बाद मान लो हमारी ये लाइन स्ट्रेट वाली ये है, ये जो हमने डॉट लाइन को कट किया है ये है, ये वाला जो हमने घेर इसमें ऐड किया वो कहां करना है, इस लाइन से ये जो कट किया है इधर और इधर, जितना भी हमने किया, हमने 6 इंच किया था, इस प्रकार की लुक बन करके। ये जरूरी नहीं है, मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया है कि इस तरीके से जो है घेर यहां पर अटैच होगा इस तरीके से। ये जो हमने कलिया काटी है वो ये लाइन कट के इधर अटैच होगा और इधर, ये हमारी 6 पैनल मरमेड स्कर्ट बनकर तैयार हुई।